गुड इवनिंग. टुडे वी आर गोइंग टू मेक प्रॉन्स. एंड हाउ आर यू ऑल? आई होप सब ठीक ठाक है. और ये डिश ज़रूर टेस्ट कीजिएगा जो आज हम बनाने वाले, जो कि बहुत जन का फेवरेट है. सो लेट स्टार्ट. कोलंबी बनवण्यासाठी साहित्य: कांदा, धने, मिरची, कोथिंबीर, लसूण, खोबरं, आमचूर, मीठ, मसाला, खोबरं घ्यायचं, धने, लसूण, कोथिंबीर, 2 आमचूर, तो मिर्ची, ये सब लेके मिक्स करना है मिक्सर में. सगळं मसाला झालाय. और इसमें थोड़ा पानी भी डाला है. अगर ये थोड़ा ड्राई हो रहा है तो थोड़ा पानी भी डालिए इसमें. थोड़ा ऑयल, तेल गरम झालं की मसाला टाकायचा. आपल्याला जेवढी ग्रेव्ही असेल तेवढे मसाला टाकून घ्यायचा पाहिजे असेल तेवढे. थोडी मिरची पावडर टाकायची, हळद, कारण मिरची वाटणात घेतलेली असते. आमचूर टाकायचे 2. मसाला हलवून घ्यायचा. कोलंबी टाकायची. मीठ टाकायचं. कोथिंबीर टाकून घ्यायची. कोथिंबीर झाली. पाणी नाही टाकायचं बिलकुल, ताटामध्ये पाणी ठेवायचं. और उसके बाद प्लेट में वाटर डाल के उसे कवर करना है. किती मिनट याला ठेवायचं? 10 मिनट. 10 मिनट, 10 मिनट रखना है इसे. 5 मिनट्स के बाद इसे एक बार स्टर कीजिए ओपन करके. तो पानी सूट ले देना. देखो इसमें बिल्कुल मतलब हमने वाटर बिल्कुल नहीं डाला था पानी, तो फिर भी देखो उसका ही मतलब वाटर आ चुका है उसका, जो कि फ्रॉन्स को जैसे पानी छूट जाता है या चिकन को भी छूटता है, सेम उसी प्रकार. आता झाकण नाही ठेवून घ्यायचं. आफ्टर 5 मिनिट्स रिमूव द लेड अँड देन अगेन लेट इट कुक फॉर 5 मिनिट्स अनकवर्ड. तो देखिए अभी इसकी ग्रेवी हो चुकी है और पानी तो सब उड़ गया. अभी ये रेडी है, अभी इसके हम प्लेटिंग करेंगे. दिखने में तो बहुत टेस्टी दिख रहा है. तो ये रेडी है, दिखने में तो बहुत भारी दिख रहा है. अभी इसको मैं टेस्ट करके देखता हूँ. आप भी ज़रूर बनाइए, टेस्ट करिए. एंड
मेरा तो उंगलियां चाटने का मन कर रहा है। सो जरूर बनाइए, टेस्ट कीजिए, और कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।